जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर आज जो अपना TGT का पेपर हुआ है, तो इसमें 125 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वह कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनके सही आंसर क्या हैं। तो यहाँ पर आंसर की लेकर आए हैं आपके लिए पूरा, यहाँ पर 125 क्वेश्चन हल करेंगे, तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। देखते हैं यहाँ पर आज से जो अपने क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन था, तो बताइए यहाँ पर आपका जो है आपको नोट करते जाना है कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था, ये पूछा है। तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश आपका विकल्प नंबर जो एक है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो क्या पूछा है तो देखते हैं। देखिए, एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक नहीं है चेतन? चेतन नायक नहीं है पूछा है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या होगा, ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका सही आंसर क्या है राइट आंसर, तो विकल्प नंबर आपका दो का यहाँ पर जो सही आंसर है वह यहाँ पर राइट आंसर क्या लगाया आप लोगों ने इसका सही आंसर, तो गर्म राख आपका विकल्प नंबर सी जो है वह आपका राइट आंसर होगा। गर्म राख विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है देखिए, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायनी और स्फुरंती सत्य सत्व वेद और बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तमुखी, ये आपको बताने कि उक्त कथन जो है ये किसका है, उक्त कथन ये कथन आपको बताना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन पूछा गया है आपसे, और ये कथन किसका है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर कि ये जो कथन है। क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर है बी, यानी कि भागवत, भागवत आपका यहाँ पर सही आंसर है, बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा, तीन का भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर, क्या है इसका राइट आंसर कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर चार का जो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी दिया गया है 105, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, 105 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि डी आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है, नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में कौन सा नहीं है बताइए, क्या आपने इसमें राइट आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर पांच में, तो नहीं पूछा है तो आपका राइट आंसर है विषाद, विषाद आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, विषाद आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर छह आपका ये रहा, देखिए यहाँ पर पूछा कि वीणा पाणी में समास है तो कौन सा समास है, ये आपको बताना है, चार विकल्प दिए गए थे और वीणा पाणी में आपने समास क्या बताया था। ममता जी सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं, रेखा जी, और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है वीणा पाणी में जो समास है, छह का राइट आंसर है बहुव्रीय, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है, कौन सी होती है, प्रथमा, तृतीय, द्वितीय या फिर चतुर्थी, तो क्वेश्चन नंबर सात है और सात का बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका राइट आंसर क्या है राइट आंसर, तो चतुर्थी आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आठ, देखते हैं। देखिए, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद अर्थ की प्राधान्यता होती है तो उसमें होता है कौन सा समास होता है, क्वेश्चन नंबर आठ में आपके लिए बताना है यहाँ पर कौन सा समास होता है, तो क्वेश्चन नंबर आठ है अपना यहाँ पर और बिल्कुल सही राइट आंसर है आठ का यहाँ पर, क्या
क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि बहुब्री, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुब्री जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण है, और 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद बताना है, तो 9 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वह है आपका सही आंसर विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर? तो सी राइट आंसर है कि नदी कोसम कुटला, आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना कि खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? यात्रा वृत्त है ये पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक है तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण है, और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर जो है 10 का वह विकल्प नंबर आपका राइट आंसर होगा, मरुधर मृदुल, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया था कि निम्नलिखित में महाकाव्यों के लक्षण के विषय में एक कथन जो है असत्य है, वह कथन आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है, वह कौन सा कथन है जो असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है कि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, तो ये कथन कैसा है? असत्य, विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, जिन्होंने बी बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, बध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? बध स्थल से छलांग ये आपको बताना है किस लेखक की कहानी है, क्या बताया आपने ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा आपने सही आंसर, बध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 12 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर एक यानी कि ऋषि के सुलभ, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा। हाँ, आज थोड़ी सा कठिन था पेपर, बिल्कुल आज का पेपर टीजीटी वालों का, तो विकल्प नंबर एक राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ऋषिकेश सुलभ आपका राइट आंसर है। देखिए, युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप है कौन से होंगे? यहाँ पर आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि तुभ्यम तथा ते जो है आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 पूछा है, सभी स्वर होते हैं कैसे होते हैं? दीर्घ या अघोष, महाप्राण या अल्प प्राण? तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 14 है और 14 का राइट आंसर है सभी स्वर जो होते हैं वह कैसे होते हैं? वह अल्प प्राण होते हैं, तो विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था मगन ठाकुर, या यहाँ पर है आलो उजाला, या फिर नसरुद्दीन हुसैन, या सुजाउद्देला, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है और आपका राइट आंसर है क्या होगा राइट आंसर 15 का, सभी लोग बताएंगे पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आलो उजाला आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर 16 क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नहीं बताना है आपके लिए, तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है, चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण है, सुमेलित नहीं पूछा है आपसे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कि सुमेलित नहीं है जो, वह होगा मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी, ये जो है आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है डी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया है तो डी आपका राइट आंसर होगा, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, ये सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 दिया है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक कथन असत्य है, वह कथन का चयन करना है। हिंदी के विकास के क्रम में ये आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। विकास के संबंध में जो कथन दिए गए हैं, एक कथन असत्य, हिंदी के विकास के संबंध में वह कौन सा कथन असत्य, क्वेश्चन नंबर 17 है। और 17 का राइट आंसर बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। तो विकल्प नंबर एक जो है आपका सही आंसर है, ये असत्य कथन माना जाता है, तो विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर क्या होगा। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान आपसे पूछा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया ये, और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्रमिक सोपान पूछा तो सबसे पहले आएगी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि, ये जो है आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 18 का सी होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में जो है व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है, वह श्रेणी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में वह कौन सी श्रेणी है बताइए, जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों को एक सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाली श्रेणी है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर 19 का जो होगा वह विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है बी, यानी कि भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत, ये जो है आपका बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही यहाँ पर, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही यहाँ पर बी, जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर क्या पूछा है, तो 20वां क्वेश्चन है कि बेदिन बेलोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बेदिन बेलोग इस रचना के लेखक आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो सही आंसर है, बेदिन बेलोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के जो लेखक माने जाते हैं, 20 का बी राइट आंसर है, शिवपूजन सहाय आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, शिवपूजन सहाय आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शे वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शे वर्णन से संबंधित जो ग्रंथ माना जाता है वह कौन सा माना जाता है, तो 21 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, राहुल बेल आपका यहाँ पर, राहुल बेली आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष बताना है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है कि गोस्वामी जो विट्ठलनाथ थे इनके द्वारा जो अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है वह क्या है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 22 का विकल्प नंबर डी, यानी कि 1865 ईस्वी आपका राइट आंसर हो, सॉरी 1565 है 1565 ईस्वी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये जो कथन है ये किस विद्वान का कथन माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर बताएंगे, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किस विद्वान का है, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 23 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 23 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है, तो विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक देव की माता का नाम बताना है, गुरु नानक देव जी की माता जी का जो नाम था लक्ष्मी या यहाँ पर वितस्ता या रूपना या तृप्ता, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है 24 का, आपका जो सही आंसर है वह आपका तृप्ता यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही 24 का डी, जिन्होंने बताया तृप्ता उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका ये रहा कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 भिन्न है, विधाओं की दृष्टि से आपके लिए बताना है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 रचनाओं से भिन्न है बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का सही आंसर बताना है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 25वां क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है 25 का क्या होगा सही आंसर, सभी लोग बताएंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 25 का, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर,
हाँ तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 25 का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। कितनी धूप में कितनी बार, जो विकल्प नंबर सी है वह आपका राइट आंसर होगा। तो ये जो है आपकी वट वृक्ष की छाया में ये होगा आपका सही आंसर, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, डी होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही आंसर है अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 26 का आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाना, सरल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, देखिए नहीं बताना है आपके लिए, तद्भव शब्द नहीं है, राजा किसान खेत दाही या फिर दाहिना। क्वेश्चन नंबर 27 है, महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो 27 का आपका राइट आंसर है क्या होगा, राइट आंसर राजा आपका विकल्प नंबर जो एक है वह आपका सही आंसर है, राजा आपका राइट आंसर होगा, ये जो है तद्भव शब्द नहीं है, तो विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, 15, 20, 18, 24, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, 28 का राइट आंसर है आपका 24, यानी कि विकल्प नंबर डी, 28 नहीं यहाँ पर आपका 28 का डी राइट आंसर होगा, यानी कि 24 छंद, 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही राइट आंसर है डी यहाँ पर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है, 10 लाख या फिर 5,000 या 1 लाख या 10,000। तो अयुतम, अयुतम जो शब्द है गणनावाचक शब्द है और किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो 29 का बिल्कुल सही राइट आंसर है, ये होता है प्रयुक्त 10,000 के लिए, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है, इस बिल्कुल सही राइट आंसर है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है, क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का राइट आंसर बताना है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये जो कथन है वह किसका है, तो 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है, 30 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या है राइट आंसर, डी राइट आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन से आपका सही आंसर है, डॉक्टर बच्चन से राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है, तो ये आपको बताना है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अर्थवेद से, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, किस वेद से लिया है भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को, किस वेद से लिया गया माना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 31 का विकल्प नंबर सी, यानी कि यजुर्वेद आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा युग वशिष्ठ के रचना काल क्या माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका आंसर आपके लिए दिख रहा है लगा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, इसका जो आंसर है वह 1741 माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी राइट आंसर होगा, 32 का बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 है कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है, जैनेन्द्र कुमार से, अमृतलाल नांगर, यशपाल, उषा प्रियंवदा, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 33 का आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि अमृतलाल नांगर आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी यहां पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग फुलकातु, निम्न पंक्तियों में निहित रस कौन सा है, इनमें आपके लिए रस बताना है, क्वेश्चन नंबर 34 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सही 34 का ये राइट आंसर है, अद्भुत रस है इसमें, तो विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 35 है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें, और यहाँ पर आपका सही आंसर है झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 35 का बी, यानी कि माता प्रसाद आपका सही आंसर होगा।
माता प्रसाद आपका राइट आंसर है 35 का, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, 36। ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, यह जो सूक्ति है किस कवि की है, कालिदास, माघ भारवी या श्रीहर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, ये जो सूक्ति है किस कवि की है, तो क्वेश्चन नंबर 36 है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 36 का आपका, विकल्प नंबर एक यानी कि कालिदास जी की ये सूक्ति मानी जाती है। तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका ये रहा कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और सभी के लिए पता होगा कि भाई जो कवि हैं जो सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं, तो वह कौन है, सुंदरदास, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सुंदरदास सबसे अधिक शिक्षित कवि माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपका जो कट ऑफ जाएगा वह आपका एक वीडियो आ जाएगा, तो उस वीडियो में आपके लिए बताएंगे कि किसका कितना कट ऑफ जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, महत्वपूर्ण है और इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा और इसका प्रकाशन पूछा है, तो 38 का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 38 का सी यानी कि 1885 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 1885 ईस्वी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 39 कि ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 महत्वपूर्ण है, सभी लोग बताएंगे 39 का सही आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका श्याम पंडित जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के जो लेखक माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है आपका, विकल्प नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा 39 का, विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, तो बिल्कुल सही सी राइट आंसर है यानी कि जॉन गिलक्राइस्ट, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो मैं सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना मानी जाती है, नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ, अग्रवाल, त्रिलोचन, तो क्वेश्चन नंबर 40 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, 40 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 40 का होगा आपका डी यानी कि त्रिलोचन, त्रिलोचन की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, वीर नंदी, धनंजय, मुनि जनमेजय या फिर वादीराज। क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 का बिल्कुल सही राइट आंसर है कि पार्श्वनाथ चरित के जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं वादीराज, यानी कि विकल्प नंबर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था कि देख ले यहाँ पर क्या है कि द्रक्षते शब्द जो है द्रस धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में, और 42 का सही आंसर क्या है, द्रक्षति शब्द द्रस धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है, तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 42 का, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 42 का, एक होगा लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, ये जो है आपका विकल्प नंबर एक जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिता और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है, ये परिभाषा किस विद्वान की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और ये जो परिभाषा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 43 का आंसर बताइए, ये परिभाषा किसकी मानी जाती है बताइए, श्याम सुंदर दास, भागीरथ मिश्र, भारतेंदु, डॉक्टर नगेंद्र, ये चार विकल्प हैं आपके यहाँ पर।
तो क्वेश्चन नंबर 43 है और आपका सही आंसर होगा 43 का राइट आंसर रेखा जी बिल्कुल सही। भागीरथ मिश्र की ये परिभाषा मानी जाती है, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। शयन, शयन में संधि बताना है, अयादि गुण स्वर संधि या यण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। शयन में बताना है संधि, और संधि में आपका यहाँ पर जो होगा, हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है 44 का विकल्प नंबर एक, यानी कि अयादि स्वर संधि आपका सही आंसर है। 44 का ए राइट आंसर होगा बिल्कुल सही। संस्कृत के किस कवि ने अपने पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, तो संस्कृत के वह कौन से कवि हैं, कालिदास हैं, भारवि हैं, भवभूति हैं, बाणभट्ट हैं, ये आपके चार विकल्प हैं, कौन से वह कवि हैं। तो 45 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर है 45 का वह सी, यानी कि भवभूति आपका सही आंसर होगा। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में क्वेश्चन नंबर 46 है और 46 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो 46 का आपका राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर 46 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि अर्पणा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अर्पणा अपर्णा माना जाता है लेकिन अर्पणा नहीं है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया गया है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, देखिए जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी ना भूताल में थी। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं किस अलंकार की उदाहरण की ये पंक्तियां दी गई हैं, ये आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, तो बताइए। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी ना भूपाल में थी, उपरोक्त जो पंक्तियां हैं किस अलंकार का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, हाँ क्वेश्चन नंबर 47 का आपका बी राइट आंसर है, यानी कि परिसंख्या आपका सही आंसर है, 47 का बी राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 48 है, तो वह कौन सा युग्म यहाँ पर सही आंसर होगा, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर रचनाकारों का रचना और रचनाकारों का युग्म असंगत है, तो वह युग्म कौन सा है, तो 48 का आपका राइट आंसर है डी, भूल गए लोग शमशेर बहादुर से हैं, ये आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर पूछा कि अवधि शिला का उस पार था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, ये जो पंक्तियां हैं इस पंक्तियों में कौन सा छंद है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 में छंद बताना है, तो आपने क्या यहाँ पर लगाया था राइट आंसर बताइए, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 49 का आपका जो सही आंसर है वह बी, यानी कि बरवई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, अभ्यांतरित किस प्रकार लिखते हैं, तो अभ्यांतरिक जो है किस प्रकार लिखते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 है और आपका राइट आंसर है 50 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह क्या होगा राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है 50 का, सभी लोग बताएंगे कमेंट में 50 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी राइट आंसर है अभ्यांतरित तरिक आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा 50 का। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है, वह ग्रंथ आपको बताना है संस्कृत का वह कौन सा ग्रंथ है, तो बताइए। रघुवंशम है, शिशुपाल वधम है, किरातार्जुनीयम है, कुमार संभवम है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 है और 51 का आपका सही आंसर होगा, हाँ बिल्कुल सही 51 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि किरातार्जुनीयम आपका राइट आंसर है, यह वह ग्रंथ है बिल्कुल सही जिसका आरंभ है श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 52 आपका यहाँ पर दिया गया है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, विलोम की दृष्टि से बताना है, 52 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और 52 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है अर्वाचीन नवीन, ये जो है असंगत है विलोम की दृष्टि से, बिल्कुल सही। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से ओष्ठव ध्वनि नहीं है, नहीं पूछा है तो इसका आंसर आपके लिए दिख रहा होगा, बिल्कुल सही निशान लगा है इसमें। तो यहाँ पर एक ओष्ठव ध्वनि नहीं है, जो 53 का आपका सही आंसर है सी, यानी कि धा आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? देखिए अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से पूछा है, तो भाई कौन सा उपसर्ग है जो अन्य तीन से भिन्न है, तो यहाँ पर बताना है औ, अप, परी या दुर। तो चंगन का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर चंगन का? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है चंगन का, विकल्प नंबर यहाँ पर चंगन का सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर, आओ अप परी या फिर दुर। तो सी राइट आंसर है परी आपका, बिल्कुल सही राइट आंसर है। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु पर साध राम गुण गाया, पंक्ति जो है ये किस ग्रंथ से ली गई है ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 55 का, कि ये जो पंक्ति ली गई है कबीर की परिचय से ली गई है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण की थी? तो बताइए, तो एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी से इसका आंसर इनको पता होगा सभी के लिए, कि तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा को जो है निवारण के लिए की थी, उन्होंने इस रचना की थी, तो हनुमान बाहुक यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो वह बताना है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 57 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 57 का आपका, बिल्कुल सही राइट आंसर है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर जो लिखा गया उपन्यास है, तो नीली नीलिमा नीलोफर भीष्म साहिनी, तो विकल्प नंबर एक आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए स्त्रीलिंग नहीं पूछा है, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 58 है और इसका निशान लगा है कि जो सेतु है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 58 का सी राइट आंसर है, वायु रेणु रज्जु ये है लेकिन सेतु नहीं है, तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताना है क्या होगा सही आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर एक सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन माने जाते हैं? संस्कृत के प्रथम नाटककार पूछा है क्वेश्चन नंबर 60 में, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या भास, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि 60 का जो राइट आंसर है वह डी यानी कि भास आपका सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 61 पूछा है कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? बताइए अंतर्वेदी है, प्राची है, कौरवी है, हरियाणवी है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है ये, तो आपका ये सरल क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम पूछा है, तो 61 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, निशान लगा है कि कौरवी आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 62 का आपका सी राइट आंसर होगा, 62 का क्या होगा राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है श्री मध्वाचार्य आपका राइट आंसर होगा, तो 62 का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, सी राइट आंसर है। हाँ
सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं। द्रुत विलंबित चंद्र का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं, क्या होते हैं ये आपके लिए बताना है। यहाँ पर विकल्प आपके देखने रहे होंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, डायरेक्ट डी जो है आपका सही आंसर है। इसमें देखिए एक नगण दो भरण और एक नगण दो भगण और तथा एक रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं, तो ये जो है आपका विकल्प नंबर डी है भाई, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव की कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है ये आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 है और 64 का सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। 64 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा तो डी राइट आंसर है, यानी कि 10, 10 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, 10 जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर होगा, 10 राइट आंसर है बिल्कुल सही। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में के रूप में छपा था, तो ये तो सभी को पता होगा, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 65 है और आपका सही आंसर विकल्प नंबर एक हिंदी शब्द सागर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है, बताइए। रामचंद्र शुक्ल है, इब्न बतूता है, या अबू सईद है, या बदायूनी है। हाँ तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर कि हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार पूछा है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, इब्न बतूता आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 क्या पूछा है, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 कि जहाँ राधा आनन उदित निशिवासर आनंद तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको क्वेश्चन नंबर 67 में बताना है, कौन सा अलंकार है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 67 में अलंकार बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और आपका यहाँ पर सही आंसर है 67 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर डी राइट आंसर है, दीपक आपका यहाँ पर सही आंसर है, दीपक होगा सही आंसर, डी होगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रहित है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रहित है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 68 है और 68 का सही आंसर है क्या होगा राइट आंसर, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है राइट आंसर होगा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 68 का एक राइट आंसर है, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, इन पंक्तियों के जो सृजेता तथा कृति का नाम बताना है, तो इस पंक्ति के सृजेता और कृति का नाम बताइए, क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 69 और 69 का जो सही आंसर है वह क्या है, साधना जी बिल्कुल, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 है और राइट आंसर जो है वह विकल्प नंबर एक अंधायुग धर्मवीर भारती, ये जो है आपका सही आंसर है, तो विकल्प नंबर जो एक है वह आपका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए लकार उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है, युग्म सही नहीं है, 70वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और इसका आंसर जो है वह आपके लिए दिख रहा होगा, लगा है निशान सही निशान कि लोट लकार और संभाव्य काल जो है आपका विकल्प नंबर एक जो है वह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 71 और 71 पूछा है कि देखिए पौन माया करी घूंघट डारई दया करी दामिनी दीप दिखावई, काव्य पंक्ति किस कवि की है ये आपको बताना है, ये काव्य पंक्ति किस कवि की मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 71 है और 71 का राइट आंसर आपका यहां पर होगा विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, 71 का सही आंसर बताना है और 71 का राइट आंसर आपका होगा यहां पर विकल्प नंबर एक, यानी कि नेही गागरीदास आपका विकल्प नंबर जो एक है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्र पुकारती, ये जो काव्य जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा गुण यहाँ पर मौजूद है इन पंक्तियों में,
बताइए। हाँ, एग्जाम पर चैनल पर भी अपनी रात में 10 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास वह अभी आज नहीं होगी। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इसमें आपके लिए गुण बताना है, तो ओज गुण आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा है, देखिए, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह जो काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है, क्वेश्चन नंबर 73 है। और 73 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बिल्कुल सही राइट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है ये काव्य काव्य लक्षण, ये जो काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है, तो रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, महाप्राण है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, निशान लगा है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा टी, यानी कि हाँ, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 पूछा है कि विधा की दृष्टि से सुमिलित नहीं है, सुमिलित युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 75 है, और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या होगा राइट आंसर, दारसु जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, गीतिका जी, रेखा जी, क्वेश्चन नंबर 75 है और आपका सही आंसर है डी, यानी कि शांति निकेतन के शिवालिक, ये जो है यात्रा वृत्त नहीं है, शांति निकेतन के शिवालिक यात्रा वृत्त नहीं है, निबंध संग्रह है, तो बिल्कुल सही, ये जो है विधा की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक, आपको क्वेश्चन नंबर 76 में बताना है कौन माने जाते हैं इसके लेखक। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 76 का आपका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर डी, यानी कि रामचंद्र सूरी, आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा 76 का, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है, महुए का पेड़, रामलीला, पानफूल या हंसा जाई अकेला। देखिए मार्कंडे की कहानी नहीं पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 वा क्वेश्चन है, और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 77 का आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि रामलीला आपका सही आंसर है। हाँ, रामलीला आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, 78 का राइट आंसर होगा वह राइट आंसर शकुंद, आपका यहाँ पर सही आंसर है, शकुंद आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, और 79 का सही आंसर बताना है, 79 का सही आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 79 है, महत्वपूर्ण है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान थे, निशान लगा है, क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आपका वहां पर एक गलत निशान लगा है, गणपति चंद्र गुप्त, 79 का डी राइट आंसर होगा, गणपति चंद्र गुप्त आपका सही आंसर है। देखिए हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था, कालचक्र में, विद्या सुंदर में, नील देवी में, भारत दुर्दशा में, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 है, और 82 का सही आंसर आपका यहाँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 80 है, और 80 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा राइट आंसर, तो ये आपका जो है इसको विकल्प नंबर एक जो है वह आपका सही आंसर होगा कि जो कालचक्र पुस्तक में अंकित किया गया है इसको, तो कालचक्र आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, क्या पूछा है तो देख लेते हैं कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में ये जो कथन है किसका है, क्वेश्चन नंबर 81 है और आपका सही आंसर है, एक कथन माना जाता है किसका, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 81 का आपका डी राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है, 81 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, क्वेश्चन नंबर 82 है, महत्वपूर्ण है, चेहरे अनेक ये आपको बताना है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, हाँ, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 82 का जो राइट आंसर है वह एक नेमीचंद्र जैन आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, नेमीचंद्र जैन राइट आंसर है,
प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 83 है और 83 का राइट आंसर क्या होगा? 83 का राइट आंसर बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 83 का विकल्प नंबर बी यानी कि मुक्तिबोध आपका राइट आंसर होगा। मुक्तिबोध आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर बी बताए हैं तो राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 84 में, तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताना है। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते हैं, बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर वीडियो को लाइक किया है। और 84 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर, क्या है राइट आंसर? बी राइट आंसर है, अपवर्ग पंचक आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी जो है प्रतिभा मता किसकी उक्ति है, ये उक्ति बताना है तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 85 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 85 का विकल्प नंबर आपका, ये जो उक्ति है किसकी है, श्री भट्टतोत आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष होगा, काव्य दोष बताना है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 है और 86 का सही आंसर क्या होगा? 86 का राइट आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 86 का पुनरुक्ति आपका, विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, पुनरुक्ति आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, रात्रि कार्य पंख देव। क्वेश्चन नंबर 87 है, राइट आंसर आपको बताना है, निशान लगा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर, सभी लोगों ने बताया है कि तद्भव शब्द जो है वह है कौन सा, पंख, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, 87 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या पूछा है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ऊट पटांग शब्द में समास बताना है, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है बताइए, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है और 89 का जो सही आंसर है, ऊट पटांग में बहुव्री या द्विगु द्वंद्व या तत्पुरुष, ऊट पटांग, तो इसमें बिल्कुल सही राइट आंसर है 89 का विकल्प नंबर डी यानी कि तत्पुरुष आपका सही आंसर होगा, तत्पुरुष राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 90 और पूछा कि निम्नलिखित में से कौन तद्दित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, देखिए तद्दित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, ये 90 में आपसे पूछा है तो आपका राइट आंसर है शिक्षक, मायावी, पौरुष या सजावट, तो बिल्कुल सही राइट आंसर लगा है आपका, विकल्प में आंसर आपका जो है सही निशान लगा है कि विकल्प में आपका डी राइट आंसर है यानी कि सजावट आपका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, सजावट आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था, नहीं था पूछा है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 का राइट आंसर बताना है तो 91 का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर, रानी चेत ने रानी केतकी की कहानी, ये जो है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के सृजेता कौन माने जाते हैं, ये आपके चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है और 92 का राइट आंसर बताना है तो विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपका, बहुत बढ़िया राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है और महत्वपूर्ण है, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। हाँ भावना जी बिल्कुल, और रविता जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 93 है और 93 का राइट आंसर कि गुर्वे शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, 93 का आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, गुरोधन ये आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर, 93 का डी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। बीती विभावरी जागरी पन अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये आपको बताना है कि उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इसमें अलंकार पूछा गया है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, 94 का विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर रूपक अलंकार होगा इसमें,
रूपक यानी कि विकल्प नंबर एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? एक कहानी है ज्ञान रंजन की, काशीनाथ की, श्रीकांत वर्मा की, उदय प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है और 95 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर, काशीनाथ से है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अर्शदीप जी, और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का वह है विकल्प नंबर एक यानी कि चंद किशोर जायसवाल आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कि विखंडनवाद का जनक माना जाता है रूसो को या सस्योर को या देरिदा को या रिचर्ड्स को? क्वेश्चन नंबर आपका 97 है और 97 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 97 का विकल्प नंबर बी यानी कि देरिदा आपका सही आंसर है। बैलगाड़ी में समास बताना है, क्वेश्चन नंबर 98 है और इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, तो विकल्प नंबर आपका यहां पर जो सी है तत्पुरुष आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, तत्पुरुष आपका राइट आंसर है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद्र, धनपाल, जोइंदु, सोमनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, जोइंदु आपका राइट आंसर होगा। जोइंदु राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या पूछा है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपका ये रहा। देखिए नाटककारों का यहाँ पर कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? देखिए सुमिलित नहीं पूछा है क्वेश्चन नंबर 100 में, तो 100 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 100 का, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये जो है सुमिलित नहीं है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान, अपादान, संबंध या करण कारक? आपके लिए यहाँ पर कारक बताना है कौन सा कारक यहाँ पर प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है और 101 का राइट आंसर है बी यानी कि अपादान कारक आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? क्वेश्चन नंबर 102 है और 102 का राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि पुत्रलिपा आपका यहाँ पर सही आंसर है। पुत्रलिपा राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा। पुत्रलिपा राइट आंसर है बाल गोविंद जी, अनीता जी। अगला क्वेश्चन है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेवा सदन या फिर रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। क्वेश्चन नंबर आपका 103 है और 103 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो बी राइट आंसर होगा, तो बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर रंगभूमि आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 104 है, जवाब, हिसाब, गुलाब, शराब। तो ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं और स्त्री शब्द पूछा है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, शराब आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र को, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज। क्वेश्चन नंबर 105 है और 105 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, बी राइट आंसर है, यानी कि लल्लू लाल आपका राइट आंसर है। इनको उर्दू का यामिनी भाषा करने का श्रेय इनको प्राप्त है, लल्लू लाल आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा है, 106 पूछा है। देखिए हाँ बिल्कुल, कि वह उस साक का बन विहंग उड़ गया मुक्त नव निरस्त रंग। ये बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं किस छायावादी कवि की हैं? वह उस शाखा का बन विहंग उड़ गया मुक्त नव निरस्त रंग, ये पंक्तियां छायावादी किस कवि की मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 106 है, महत्वपूर्ण है और बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्तियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा, आगत, तथागत, विगत या प्रत्यागत? तो प्रत्यागत आपका डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी लोगों ने राइट आंसर बताए कि प्रत्यागत आपका सही आंसर है, तो विकल्प नंबर डी आपका बहुत बढ़िया राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 108 है और 108 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो 108 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है सी, यानी कि राजेश जोशी आपका सही आंसर होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या, बहुत ही सरल क्वेश्चन है तो कि जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है और 109 का राइट आंसर है कि सार्वभौमिक, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, तुलसी गंग दो भये सुखबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और किसका कथन है तो बताइए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर बताना है, तुलसी गंग दो भये सुखबिन के सरदार, ये जो कथन है किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि भिखारी दास आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, भिखारी दास जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है, तो देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 में और आपका राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल, 111 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि अपराजिता आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, अपराजिता जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। 112 की बात करें, गारसदा ताची ने इतिहास ग्रंथ लिखा है द ललितेश्वर इंदोस्तानी का दूसरा संस्करण, देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि दूसरा संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ, दूसरा संस्करण पूछा है 112 में और 112 का राइट आंसर है आपका इसका जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था ये कब हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 112 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है, महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, दूसरा संस्करण पूछा है 112 का सी राइट आंसर है 1871 ईस्वी, आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है, ये कथन किसके प्रति है, कथन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 है और 113 का राइट आंसर बताना है, ये जो कथन है किसके प्रति है, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण से है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 113 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, अध्यापक पूर्ण से है आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 114 है कि कुलंक सा किसका पर्यायवाची शब्द है, देखिए निशान लगा है सही आंसर होगा आपका क्या होगा राइट आंसर, तो कुलंक सा आपके लिए बताना है कि ये किसका पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 114 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 114 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर, 114 का आपका बी राइट आंसर है, नदी राइट आंसर होगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 115 है और 115 का राइट आंसर है कि आपका जो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि रक्षाबंधन कहानी जो है, रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी है, ये असत्य कथन है, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, ये आपको बताना है कि पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, आपको बताना है कि इस पंक्ति के जो रचयिता माने जाते हैं रामधारी सेन दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, तो क्वेश्चन नंबर 116 है राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि विकल्प नंबर सी यानी कि रामविलास शर्मा आपका राइट आंसर होगा, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा है 117 है कि पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप होंगे क्रमशः कौन से होंगे, पितृ शब्द की पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 117 है और 117 का राइट आंसर है आपका, तो विकल्प नंबर आपका 17 का राइट आंसर है बी यानी कि पितरी पित्रो और पित्री पितृसु, आपका जो विकल्प नंबर बी है वह आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवले किसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है और आपका सही आंसर ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली, तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 118 का विकल्प नंबर एक लंदन आपका सही आंसर है,
बिल्कुल सही, लंदन आपका राइट आंसर होगा। साखी सबदी दोहरा, कही किहनी उपखान, भगति निरुपही भगत कली और निंदही वेदम पुराण। ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 125 क्वेश्चन का पेपर आया था बिल्कुल, और यहाँ पर 119 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर? ए राइट आंसर है, यानी कि तुलसीदास इन पंक्तियों के रचनाकार माने जाते हैं, तुलसीदास विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, शनि कज्जल जस झस लगन उपजो सुदनु सनेही, क्यों ना नृपति हवे भोगवे लही स्वदेशी सबुदेही। ये जो है बिहारी के उपरोक्त दोहे में किनकी बहुतज्ञता का इनकी बहुतज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 120 में कि ज्योतिष ज्ञान का जो पक्ष है इनके काव्य में बहुतज्ञता से ये जो पक्ष है प्रकट हुआ है, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है क्या है? तवलकार, तवलकारा का सही संधि विच्छेद बताने, क्वेश्चन नंबर 121 से राइट आंसर होगा। तवलकारा का जो सही संधि विच्छेद है तवा तव तव धन लकारा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 122 वा क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा है? 121 वा क्वेश्चन है, 121 हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है, शोभा सरकाने न बखाने जात क्यों भाती, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोंके। ये जो पंक्ति है काव्य पंक्ति किसकी काव्य पंक्ति मानी जाती है? हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ पर आपका 122 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि सेनापति आपका राइट आंसर है। सेनापति बिल्कुल राइट आंसर होगा, 122 का सेनापति राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, उदधि आई तेई बंधन कीना, इति दशमात अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुतुबन जायसी, तुलसी सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर 123 है और 123 का राइट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया राइट आंसर होगा 123 का, तुलसी आपका राइट आंसर है। तुलसीदास जी इन पंक्तियों के रचयिता माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके आज के एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा या सती प्रताप। क्वेश्चन नंबर 124 है और 124 का राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 124 का राइट आंसर होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज बताना है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है और 125 का सही आंसर, सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी से, 125 का राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेज जो है किस भाषा का शब्द माना जाता है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर डच। क्वेश्चन नंबर 125 है और 125 का सही आंसर आपका, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि 125 का राइट आंसर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि फ्रेंच आपका सही आंसर होगा, फ्रेंच राइट आंसर है। तो देखिए इस प्रकार के आपके यहाँ पर 125 क्वेश्चन आए थे और इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आए थे, कोई कोई क्वेश्चन इतने कठिन थे, बहुत ज़्यादा कठिन थे, और इसमें तो इस प्रकार अपनी ये जो है आंसर की थी यहाँ पर 125 प्रश्नों की। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, अभी भी बहुत ही कम लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, तो एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम पार वाली 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी, और आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस नहीं होगी और फिर रोज होगी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी के लिए शुभरात्रि और सभी